नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। थोड़ी देर में आने वाला है राम मंदिर पर सबसे बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंडपीठ 40 दिन की सुनवाई के बाद आज फैसला देगी। फैसला किसके पक्ष में होगा, इस पर देश भर की नजर टिकी हुई है। इस बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की बात कही है। सीएम नीतीश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण पहुंचे हुए हैं और इस दौरे के दौरान में सीएम नीतीश कुमार ने आज वाल्मीकि नगर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको ये पता चला कि आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला सुनाने वाला है, लिहाजा वो जो भी फैसला होगा उनकी पार्टी और जो तमाम लोग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, किसी प्रकार का मतभेद मनभेद नहीं होना चाहिए। इस फैसले के बाद सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की भी बात कही है। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है अयोध्या में आने वाले फैसले को लेकर के, सुनिए इस पूरे बयान में। जानकारी मिली है न्यूज चैनल से ही कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना है अयोध्या के मसले पर। हम लोगों की तो राय है जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो वो सबको मान्य होना चाहिए और इस मसले को लेकर समाज में सौहार्द का वातावरण रहना चाहिए। इस बात को लेकर के कोई विवाद की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए और इतने दिनों से ये मामला चल रहा है और अंतोगत्वा ये सुप्रीम कोर्ट में गया है तो हम लोगों की तो यही मान्यता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो वही मान्य होना चाहिए और हम तो यही सब लोगों से आग्रह करेंगे कि इस विषय को लेकर के आपस में किसी प्रकार के विवाद का कोई वातावरण नहीं बनाना चाहिए, आपस में सौहार्द का वातावरण रहना चाहिए, यही हमारा आग्रह होगा। जाहिर तौर पर बिहार की बात करें तो बिहार में जो हाई अलर्ट है वो जारी किया गया है। सीएम नीतीश कुमार के भी सभी कार्यक्रम जो है रद्द कर दिए गए हैं। आपको बताएं, पटना के साथ साथ बिहार के तमाम जो संवेदनशील इलाके या फिर जो जिले हैं उन तमाम जगहों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी प्रकार की जो जो स्थिति है उसमें जो है खलल ना पड़ पाए। जो फैसला आने वाला है नजरें देश भर की टिकी हुई है। न्यूज फाउंडेशन आपके पास लेकर के हाजिर होगा, पल पल की रिपोर्ट दिखाएगा कि जो अयोध्या को लेकर के जो वर्डिक्ट आने वाला सुप्रीम कोर्ट में उसमें क्या कुछ है और उसके बाद देश और दुनिया में क्या हलचल है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते हैं न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।